इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ और मैं आज वॉल हैंगिंग बनाने इस तरह का बनाने जा रही हूँ। इसका प्रोसेस मैं बता रही हूँ। एक ये इस तरह का सर्कल शेप में फूल लेना है, उसके बाद से फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले इसे सर्कल करके और इसे इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। ये हो गया और इसको इस तरह से यहाँ पे गम लगा करके जॉइंट करना है। तो इस तरह से मेरा फ्लावर ऐसे फ्लावर जो है तैयार हो गया, ठीक है। इसी तरह से चार बनाने हैं और मैंने इस तरह से सबको जॉइंट कर दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, इस तरह के फ्लावर को बनाने के लिए इस तरह के रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में लेना है और इसे ऐसे फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड करना है उसके बाद यहाँ पे मैंने पीछे जो ये पेस्ट किया है उसके ऊपर इस तरह इसको पेस्ट करना है। उसके बाद मैंने इस तरह का फ्लावर कटिंग किया है, ओके। उसके बाद से इस तरह मैंने ऐसे ऐसे सुंदर दिखने के लिए ये मैंने ऐसे कर दिया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, जस्ट ऊपर। तो इस तरह से मेरा ये वॉल हैंगिंग तैयार हो गया, ओके। तो इस तरह से ये दिखेंगे, ठीक है। और ये मैंने धागा इस तरह से पेस्ट कर दिया है वॉल पे हैंग करने के लिए। तो इस तरह आप अपने घर में भी डेकोरेट कर सकते हैं और बच्चों से भी स्कूलों में क्राफ्ट बनवा सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ बच्चे इस वर्क को करेंगे। धन्यवाद।